हेल hey चैंपियंस आज हम लोग बात करेंगे स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन के बारे में स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं तो सिस्टम की कोई भी कंडीशन हो या सिस्टम की कोई भी स्टेट हो वो डिफाइन की जाती है बाय दीज वेरिएबल्स और इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मेरे पास एक गैस है और उस गैस का जो प्रेशर है दैट इज वन ए टी एम टेम्परेचर है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम इज थ्री हंड्रेड एम एल कहने का मतलब है ये क्या हो गया दिस इज अ स्टेट ऑफ अ गैस दिस इज अ स्टेट ऑफ अ गैस मतलब गैस की एक पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर गैस का प्रेशर है वन ए टी एम टेम्परेचर है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम है थ्री हंड्रेड एम एल और ये सारे बन गए स्टेट के वेरिएबल्स जो एक स्टेट को डिफाइन करने वाले ठीक है तो अगर मैं इसके स्टेट को चेंज करूं स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब है कि अगर मैं गैस की कंडीशन दैट इज प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज कर दूं तो जो गैस का स्टेट है वो भी क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा मतलब गैस किसी और कंडीशन में चली जाएगी जैसे मान लो मेरे पास गैस है और उस गैस की जो प्रेशर है वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है वो कुछ और हो गया मतलब यहाँ पे वन ए था यहाँ पे प्रेशर हो गया टू ए टी टेम्परेचर हो गया थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम हो गया फाइव हंड्रेड एम तो इसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर क्लियर है अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो ये क्या होता है अगर गैस के वेरेबल्स दैट इज़ प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए तो गैस किसी और कंडीशन में चली जाएगी तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है ठीक है तो आइए देखते हैं ये क्या क्या होता है स्टेट वेरेबल और स्टेट फंक्शन तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिसमें तो पहला स्टेट वेरेबल स्टेट फंक्शन आता है प्रेशर दूसरा है आपका टेम्परेचर तीसरा है वॉल्यूम नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स उसके बाद एंथेल्पी एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी एंड गिप्स फ्री एनर्जी इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल ई e और कैपिटल यू दोनों से डिनोट करते हैं तो कंफ्यूज मत होना एंट्रोपी को कैपिटल एस से और एनथेल्पी को कैपिटल एच से और गिप्स फ्री एनर्जी को जी से क्लियर है तो ये सबके सब क्या है ये सबके सब स्टेट वेरिएबल्स हैं ये किसी भी गैस की कंडीशन को डिफाइन करते हैं ठीक है अब स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है वो ये कि ये जो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं ना स्टेट फंक्शन या जो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं इनके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे या इनिशियल और फाइनल स्टेट पर इसी वजह से इनको स्टेट वेरिएबल कहा जाता है ठीक है जैसे अगर मैं आपसे किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में बात करूं जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ किया गया है ठीक है तो एक ग्राफ तो ये हो गया और एक ग्राफ तो ये हो गया तो मैं आपसे पूछू ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है क्या दोनों ग्राफ का जो रास्ता है या जो पाथ है दोनों ग्राफ का क्या वो सेम है नहीं वो अलग अलग है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस और इस पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा तो वो सेम होगा क्यों क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी तो वो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल क्योंकि स्टेट वेरिएबल होने की वजह से वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं

तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वही चीज अगर मैं यहां पे बोलूं टेम्परेचर के बारे में तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल और ये आपका क्या है इंटरनल एनर्जी ये क्या हो जाएगा ई एफ माइनस ई आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज दैट क्लियर क्लियर हो गया लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका हीट और वर्क है ट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरेबल और नॉट स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर्स सो क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसा क्यों एक चीज का ध्यान रखना हीट और वर्क को छोड़ के बाकी जितने भी आपके वेरेबल्स हैं वो सबके सब क्या है वो सबके सब स्टेट वेरेबल्स हैं लेकिन हीट और वर्क ऐसे वेरेबल्स हैं जो स्टेट वेरेबल्स में नहीं आते जो एक्चुअली में क्या होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं क्यों क्योंकि ये पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है एक आपका ये पाथ हो गया एक आपका ये पाथ हो गया ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड तो अगर मैं आपसे पूछू कि इस वाले ग्राफ का जो वर्क होगा और इस वाले ग्राफ का जो वर्क होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा तो आप क्या बोलोगे डिफरेंट होगा रीजन वर्क इज अ पाथ फंक्शन क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है वो पाथ पर डिपेंड करता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है समझ में आया तो इस वाले ग्राफ का जो वर्क होगा और इस वाले ग्राफ का जो वर्क होगा वो क्या होगा दोनों ग्राफ का जो वर्क होगा दैट विल बी डिफरेंट क्लियर है अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है साइक्लिक प्रोसेस जब मैं बात करती हूँ किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की प्रोसेस का मतलब क्या होता है वेरेबल्स का चेंज होना Variables का चेंज होने का क्या मतलब है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन सारी चीजों का चेंज होना और साइक्लिक का क्या मतलब होता है सेम स्टेट मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पर वापस आ गए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ है ठीक है और यहां से वो चलना शुरू हुआ और यहां पर आकर खत्म हो गया तो जो उसका इनिशियल पॉइंट है और जो उसका फाइनल पॉइंट है वो क्या है सेम है तो मैं ये कह सकती हूं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज होता है स्टेट फंक्शन में या स्टेट वेरिएबल में वो क्या होगा ऑलवेज जीरो क्योंकि हम जहां से शुरू हुए वहीं पर आके खत्म भी हो गए मतलब हमने जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पर हमारा रास्ता क्या हो गया एंड भी हो गया क्लियर हो गया लेकिन अगर मैं यही चीज़ किसके बारे में बात करती हूँ पाथ फंक्शन के बारे में जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ साइक्लिक प्रोसेस की किसके केस में हीट चेंज और वर्क चेंज के केस में तो उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी जैसे मैं आपसे पूछूँ अगर इस पर्टिकुलर पाथ के लिए ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसके लिए डेल्टा पी क्या हो जाएगा ज़ीरो डेल्टा वी क्या हो जाएगा ज़ीरो डेल्टा ई e क्या हो जाएगा जीरो डेल्टा टी क्या हो जाएगा जीरो डेल्टा एस क्या हो जाएगा जीरो डेल्टा ई क्या हो जाएगा जीरो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा डेल्टा क्यू क्यू तो क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा डब्लू तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो रीजन क्योंकि ये क्या है पाथ फंक्शन है तो ये ओवरऑल पाथ पे डिपेंड करता है ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे अंडरस्टूड सो क्लास ऑल अबाउट स्टेट वैरबल स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं टिल देन कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग एंड गुड बाय